सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग ने अपने M सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M32। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि क्या आप लोगों को 15,000 रुपीस में इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फीचर्स के ऊपर नज़र डालें तो फ़ोन का जो स्पेस है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैमसंग के एम सीरीज के स्मार्टफोन आप लोगों को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन जो बंदा ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करे तो वहाँ पर ये एक बेस्ट डील निकल के सामने आ जाता है। तो सैमसंग ने लॉन्च किया 21 तारीख को, यानी कि कल ही इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया, और ये स्मार्टफोन अमेजन के ऊपर 28 तारीख से यानी कि 28 जून से आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को 15,000 और 17,000 दो वेरिएंट लॉन्च किया है, तो क्या आप लोगों को इस प्राइस कैटेगरी में इन दोनों स्मार्टफोन मतलब ये स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। तो सैमसंग ने यहाँ पर जो फीचर्स आप लोगों को दे रहा है ये पर्सनली काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अगर मैं बाकी दूसरे ब्रांड से भी कंपेयर करूँ तो कोई प्रॉब्लम स्पेस के मामले में मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी इस स्मार्टफोन में यहाँ पर होने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस प्राइस कैटेगरी में सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आप लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन भी अच्छा है, डिस्प्ले का क्वालिटी भी अच्छा है, और आप लोगों को लेटेस्ट 90Hz का रिफ्रेश रेट भी इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग दिया है। बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की, तो यहाँ पर सैमसंग ने इस्तेमाल किया है मीडियाटेक का G80। अगर मैं सच बोलूँ तो आप लोगों को पता है कि यही SoC आप लोगों को 10,000 के स्मार्टफोन में मिलता है, लेकिन SoC में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसर ठीक ठाक है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, डेली टू डे यूजर्स में भी ठीक है। एटलीस्ट अगर G95 या फिर G90T अगर इससे ऊपर वाला देते तो बेहतर ही होता, नो डाउट, लेकिन G80 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 6GB रैम, 128GB मेमोरी, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसकी तरह यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। 64MP का आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, और सैमसंग का कैमरा अच्छा होता ही है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि सैमसंग का कैमरा में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। 20MP का आप लोगों को सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में मिलेगा। पहले सैमसंग का क्या था कि सैमसंग के एम सीरीज में आप लोगों को नॉक सिक्योरिटी नहीं मिलता था, सैमसंग पे का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन अभी 2021 में सैमसंग ने जितने भी एम सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए 10,000 से ऊपर, इन सभी में आप लोगों को नॉक सिक्योरिटी प्लस सैमसंग पे का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड्रॉयड का 11 मिलेगा, सैमसंग का 1/3.1 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी मिलेगा, और आप लोगों को 25W का चार्जर मिलने वाला है। तो 25W का चार्जर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा सैमसंग ने दिया है, 15W से तो 15W का ठीक ही नहीं दिया आपको, 25W का यहाँ पर सैमसंग ने दिया है। तो ओवरऑल 15,000 4GB 64GB की प्राइसिंग है, और 17,000 6GB 128GB की प्राइसिंग सैमसंग ने रखा है। ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डेफिनेटली आप लोगों को ये पसंद आएगा, लेकिन हाँ डिज़ाइन थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था, क्योंकि अगर डिज़ाइन आप लोग देखें तो सेम डिज़ाइन आप लोगों को A12, F12 और M12 में भी मिलता है, तो थोड़ा सा डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना चाहिए था। आप लोगों को भी ये बात से सहमत होंगे, आप लोग भी मेरा ये बात से सहमत होंगे कि हाँ थोड़ा डिज़ाइन में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन कोई नहीं, फ़ोन अच्छा है, स्पेस अच्छा है, बैटरी ज़्यादा है, और सैमसंग के एम सीरीज का स्मार्टफोन अच्छा हो ही रहा है। लेकिन हाँ देखते हैं लोगों को कितना ये स्मार्टफोन यहाँ पर पसंद आता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।